हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। तो आज एक अनाउंसमेंट जो सेमेस्टर सिक्स के लिए है। आपका सेमेस्टर सिक्स के लिए, सेमेस्टर सिक्स का मैं अगर बात करूं तो काफ़ी कम टाइम बच गया है। इनका एग्ज़ाम जो है, मान के चलो 15 दिन से भी कम बच गए। मैं मान के चल रहा हूं 10 दिन ही बचे हैं। और सेमेस्टर सिक्स के अंदर मैं ऑनर्स की बात कर रहा हूँ, जीएसटी एंड कस्टम लॉ एक सब्जेक्ट है जिसके ऊपर है। तो अब बच्चों का काफ़ी सारे डाउट्स आ रहे थे, सर क्या करना है नहीं करना है। तो मैंने काफ़ी देखने के बाद फिर मैंने डिसाइड किया कि भाई जो टीचर पढ़ा रहे हैं उन्होंने बोला सर मैं यूट्यूब के अंदर नहीं पढ़ा सकता, यूट्यूब पे कंटेंट नहीं डाल सकता। तो ये बड़ी एक समस्या रहती है। देखो मैं तो पढ़ाता हूँ, मैं तो बोलता हूँ डाल दे भाई, क्या जाना है भाई, बच्चा देख लेगा, बच्चे का भला हो जाएगा। लेकिन जो अदर्स टीचर को एसोसिएट करते हैं तो हमें उनके टर्म्स एंड कंडीशन के साथ बंध के रहना पड़ता है। क्योंकि मान लो अगर मैं जीएसटी नहीं देता तो जो बच्चे थे वो बहुत परेशान होते, बोलते सर इतने पढ़े आपके पास कोई टीचर ही अवेलेबल नहीं है। तो ये काफ़ी सारी दिक्कतें होती है जो कि इंटरनली चलती है। खैर उसके लिए तो मैंने काफ़ी बात कर कुरा के मैंने कहा भाई साहब कम दिन बचे हैं, ऐसे कोर्स यूट्यूब पर डालो। वो कह रहे सर यूट्यूब पर तो नहीं डाल सकते, आप सस्ता कर दो जितना मर्जी। तो मैंने कहा भाई साहब जो जीएसटी का कोर्स है ना, कोई भी बच्चा जाए और वो ले सकता है। सिंपल 199 का जाके आप कोर्स बाय कर सकते हैं, 199। क्योंकि उन्होंने कहा कि साहब सस्ता कर दो जितने का भी करना है। मैंने कहा 1 रुपये कर दें, बोला 1 रुपये करके क्या फ़ायदा। फिर मतलब जितने कोर्सेज बिकेंगे तो उस टीचर्स की अपना जो इंसेंटिव होता है या सैलरी कह लो जो भी कह लो उनको भी लेना होता है, 1 रुपये में क्या देंगे, तो वो मना ही करेंगे। बट ऑब्वियस है। तो मैंने एक कोड डिसाइड किया कि भाई कम टाइम हुआ 149 में जीएसटी जिन बच्चों को लेना है। यूट्यूब पे इसकी वीडियो मैं उसके लिए बहुत मुझे बोलने में खुद बुरा लग रहा है कि मैंने अनाउंस किया था कि जीएसटी की वीडियो आएगा, लेकिन काफ़ी बात करने के बाद जीएसटी की वीडियो यूट्यूब पे नहीं आ पा रही और यूट्यूब पे नहीं आएगी, सॉरी उसके लिए। बाकी सारे सब्जेक्ट्स के देखो मैं डाल ही रहा हूँ। तो जीएसटी के बच्चों को बहुत निराश होना पड़ा होगा, इसलिए लास्ट सेमेस्टर है। लास्ट सेमेस्टर में मुझसे निराश होके मैं सोच रहा हूँ कि बच्चा देखो लास्ट लास्ट कहीं जाते हैं ना तो खुश होके जाओ। तो मैंने कोर्स का प्राइस क्या कर दिया, 199 रुपये बाय कर सकते हो। और जिनको फाइनेंशियली डिफ़िकल्टीज है वो मुझसे कॉन्टैक्ट नंबर मैं दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, बात करिए, उनको ज़रूर 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 हेल्प की जाएगी। अगर वो 199 रुपये पे करने के भी समर्थ नहीं रखता अगर, तो उसको उससे भी जो भी डिस्काउंट दिया जा सकता है हम बात करके टीचर से वो दिलवा देंगे, भैया तुम पास हो जाइए और वो सारी चीज़ें कर लीजिए। जीएसटी का सिलेबस ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है, सिर्फ 2 क्लासेस का रहता है कस्टम का, बाकी जीएसटी पूरा ख़त्म हो चुका है। उसके बाद 10 ईयर रिविजन एंड ऑल चलेगा। तो बस एक छोटी सी अनाउंसमेंट था। ये अनाउंसमेंट करते हुए मुझे इतनी खुशी तो नहीं हो रही कि हम यूट्यूब पर वीडियो नहीं डाल रहे, लेकिन अब जिन बच्चों को हेल्प हो पाए वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। थैंक यू सो मच।